और आपका फिर से खैर मकदम अलहमद वखाने में मैं हकीम मौलाना मोहम्मद इरशाद माशाल्लाह से उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैर तो आफियत से होंगे और हमें भी दुआएं खैर में याद रखें और हम भी आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको, आपकी ज़िंदगी को और आपके लाइफ पार्टनर अगर है तो सब लोगों को खुश रखें। तो आज हम उन हजरात के लिए नुस्खा लेकर हाजिर हुए हैं कि जिनका वीर्य गाढ़ा नहीं हो पा रहा है, समझ गए, और हाथों से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बेकार कर लिया है। तो सबसे पहले आपको लेना है, तीन चीज़ें हमें यूज़ करना है। क्या क्या लेना है? कुछ शीरी आपको लेना है, पंसारी के यहाँ आसानी के साथ मिल जाएगी, कोई ऐसी जड़ी बूटी हम नहीं बतलाएंगे जो आपको आसानी के साथ में नहीं मिले। आप पंसारी के यहाँ कोई भी जड़ी बूटी जो भी हम लिख कर दें तो आप परेशान नहीं हो, अगर हम बतला रहे हैं तो आप जल्दी से वहाँ पर अपने कापी में या जहाँ पर आप लिखना है वो आप नोट कर लीजिए और पंसारी के यहाँ पर्चा लेकर जाइए, वहाँ दिखाएंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपको सारी दवाइयाँ निकाल कर दे देंगे। तो सबसे पहले हमें लेना है कुछ शीरी, कितना लेना है आपको? 50 ग्राम। दूसरी चीज़ आपको लेना है लाजवंती, कितना? 50 ग्राम, ठीक है। तीसरी चीज़ इसमें आपको मिलाना है सालब घट्टा, कितना? सालब घट्टा, कितना लेना है? 50 ग्राम। तीन चीज़ हो गई, तीनों चीज़ों को बारीक करके इसे छान बीन कर जो भी है जैसा भी आप खुरल करके इसका बारीक सफ़ू बना लो, यानी पीस लो। पीसने के बाद में एक चम्मच सुबह को आप लेंगे, एक चम्मच शहद के साथ में, और गाय का दूध एक गिलास होना चाहिए, एक चम्मच सफूफ और एक चम्मच शहद ओरिजिनल वाला बढ़िया वाला और एक गिलास दूध रोज़ाना सुबह को आप लीजिए, ये इस्तेमाल कीजिए, एक महीने आप खा लीजिए, इंशाल्लाह देखना रुकावट टाइमिंग आपकी कितनी भरपूर बढ़ जाए, आपको शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर शादीशुदा हैं वो भी इस कर सकते हैं और जो गैर शादीशुदा हैं जिनकी शादी अगर नहीं हुई है वो भी इस्तेमाल करते हैं, यानी मैरिड अनमैरिड दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बहुत ज़बरदस्त है ये बनाएं। और जो शादी से लोग घबराते हैं, देखो भाई फिर वही बात हम बतलाते हैं, शादी से घबराने वाले 2 महीने हमें दे दो और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट कर लो, इलाज कर लो। देखो भाई इलाज कर लो, वरना कल को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी बीबी के सामने। फिर बाद मत कहना कि हकीम जी कोई बतलाने वाला नहीं मिला। अलहम दवा खाने से कॉन्टैक्ट करके आप इलाज कर सकते हैं और बीबी के साथ में लुत्फानंदोज़ हो सकते हैं। और आपकी अगर 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट 4 मिनट अगर आपकी 5 मिनट से पहले अगर रुकावट टाइमिंग है तो 10 से 15-20 मिनट तक इंशाल्लाह आपकी रुकावट टाइमिंग करके दी जाएगी। भाई देखो कोई शर्मिंदगी नहीं, बतलाने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, मैं भी यहाँ खुल्लम खुल्ला इसलिए बतला रहा हूँ, इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है, समझ गए। बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन उठा देते हैं कि भाई कैसे बता सकते हो, सर पर पगड़ी है आप इस तरीके से बात करते हैं, कोई ऐसा नहीं, समझ गए। इन्नमल आमालु बिन्नियात, दारोमदार जो है ना आमाल का दारोमदार नियतों पर है, अंदर से दिल साफ होना चाहिए। भाई देखो आज के दौर में बहुत सारी खुराफातें हो चुकी हैं मोबाइल के ज़रिए से, गंदी फजूल चीज़ें देखने से और जिना बदकारी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान की ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो रही है। भाई बताना ज़रूरी है और वो हजरात मेरी बातों को कान खोल कर सुने जो ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि भाई यही इलाज रह गया, यही एक बीमारी रह गई और कोई बीमारी नहीं है, हैं हुकमा कैसे कैसे हुकमा ऐसे बतला देते हैं, भाई वो कान खोल कर सुने। देखो सारी बातों को भाई रखा जाता है, भाई अगर हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं बतलाएंगे तो अगला बंदा अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर लेगा। और सबसे पहले आप गुनाह से बचेंगे, देखो भाई कोई भी हजरात है गुनाह से बचेंगे, फजूल चीज़ों से बचेंगे, गंदे लोगों के पास में जाने से बचेंगे और गंदी बेकार चीज़ें देखने से बचेंगे। जो बहुत सारी चीज़ें मोबाइल में आ चुकी हैं आप निकालते हो देख लेते हो पूरी रात गुजर रही है और हाथ इस्तेमाल कर रहे हो, इस सारी चीज़ों से आप बचोगे, इलाज करोगे तभी ठीक होगे, वरना आपकी कोई गारंटी नहीं है ठीक होने की, पेनिस आपका बेकार हो जाएगा और बीबी बद लात मार के डबल बेड के नीचे गिरा के फेंक देगी, समझ गए। तो सारी बातें देखो इसलिए मैं खुल्लम खुल्ला बतला रहा हूँ, यहाँ पे शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं, तुम भी शर्मिंदगी मत करना, अपना इलाज करो, कोई भी हकीम कहीं पे भी इलाज करो, ज़रूरी नहीं मेरे पास में आओ, समझ गए। अगर मेरे पास में आना है तो कॉन्टैक्ट करके आप हमसे भी इलाज कर सकते हैं। तो ये नुस्खा बनाकर यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगर बनाया जा सके बनाए, नहीं बनाया जा सके तो आप हमसे भी मंगा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, आज के लिए नहीं काफ़ी, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि हम इस तरीके से आपकी खिदमत में पेश होते रहें, समझ गए। दुआ आखिर में याद करना, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, जब तक के लिए इतना काफ़ी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।